रमेश सिप्पी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें शोले, अंदाज, शान, सीता और गीता, शक्ति ऐसी फिल्में शामिल है। इन सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा पूरे भारत में नहीं दुनिया में हुई है, तो वो है शोले। रमेश सिप्पी की इस फिल्म को रिलीज हुए 44 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म का क्लाइमेक्स जो असल में दिखाया गया था वो नहीं था। शोले को बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म कहा जाता है। इसमें जय और वीरू की जोड़ी से लेकर ठाकुर और गब्बर के डायलॉग ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिसे आज भी लोग दोहराते हैं। इस फिल्म से जुड़ा एक खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। शोले फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया गया कि ठाकुर गब्बर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फिल्म का आखिर सीन जो दिखाया गया वो पहले नहीं था। फिल्म के आखिरी सीन को रिलीज के महज 2 दिन पहले ही बदला गया था, यानी कि शोले फिल्म के आखिरी सीन को रमेश सिप्पी ने पूरी तरह से अलग शूट किया था। सोर्सेज की माने तो फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाना था कि ठाकुर गब्बर को पैरों से मारता हुआ उसी जगह पर ले जाता है जहां पर गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। गब्बर को मारने के बाद ठाकुर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वीरू ठाकुर को शॉल उड़ा देता है, जिसके बाद ठाकुर और वीरू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिल्म के इस पूरे सीन को शूट करने के बाद रमेश सिप्पी को अलग तरह से आखिर सीन शूट करना पड़ा, जिसकी वजह सेंसर बोर्ड का फैसला था। दरअसल जिस वक्त शोले फिल्म रिलीज हुई उसी वक्त भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी। ऐसे में सेंसर बोर्ड ये नहीं चाहता था कि फिल्म में दिखाया जाए कि पुलिस का पूर्व अफसर किसी अपराधी को खुद अपने हाथों से सजा दे। बोर्ड को ऐसा लगा कि फिल्म में ऐसा दिखाए जाने से देश का माहौल और खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सिप्पी ने फिल्म के आखिरी सीन को दोबारा शूट किया और उसके बाद ये फिल्म रिलीज की गई। और आगे की बातें इतिहास है। सोशल मीडिया की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।